देश में आज कोरोना संकट के 2 साल पूरे हो गए हैं। 30 जनवरी 2020 की यहाँ पर केरल में पहला मामला सामने आया था। आपको बता दें कि यहाँ पर इन 2 सालों में साल 2021 में यहाँ पर कोरोना की डेल्टा वेरिएंट ने यहाँ पर सबसे ज्यादा तबाही मचाई थी और इस दौरान यहाँ पर कई लोगों की यहाँ पर जान चली गई है। और वहीं अब ओमिक्रॉन वेरिएंट का भी यहाँ पर कहर लगातार जारी है। देश में अब तक ओमिक्रॉन संक्रमितों की संख्या 20,000 के पार पहुंच चुकी है। देश में कोरोना एक बार फिर से यहाँ पर खतरनाक होता जा रहा है। लगातार दूसरे दिन लगभग 900 लोगों की यहाँ पर मौत हुई है। स्वास्थ्य मंत्रालय की तरफ से जारी रविवार के आंकड़े के अनुसार बीते 24 घंटे में कोरोना के बताया जा रहा कि यहाँ पर करीब 2.5 लाख मामले सामने आए हैं और 893 लोगों की मौत हुई है।